इनडाइजेशन, हम जो भोजन करते हैं वो सही तरीका से नहीं पच पाता है, इसी रोग को अजीर्ण कहते हैं। क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है, कौन से तरीके हम इस्तेमाल करके इस रोग से मुक्त हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका लक्षण पहले हम लोग जाने, इसमें कई तरह के लक्षण होते हैं। अजीर्ण के जो पेशेंट होते हैं उसमें कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं। पहला, दुर्गंध युक्त शरीर से वायु का निकलना, मुंह से बदबू का आना, कब्ज का होना, भोजन करने के उपरांत ही तुरंत पतला दस्त होना या फटाफटा दस्त का होना, ये सब लक्षण होते हैं डिस्पेप्सिया के जो पेशेंट होते हैं। साथ ही ये होता क्यों है, इस तरह का लक्षण हमारे में क्यों दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है हमारे सही ढंग से भोजन का नहीं करना। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम जब भोजन करते हैं वही भोजन पाचन की क्रिया के बाद में रक्त बनता है। तो हम जो भोजन ले रहे हैं, भोजन का जो पहला निवाला मुंह में जाता है, मुंह से जो हम चबाने की क्रिया करते हैं, दांत से चबाने की जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया के तुरंत ही हमारे लार ग्रंथियां, हमारे सलाइवा जो है वो सब एक्टिवेट होते हैं, वो निकलना शुरू होता है और भोजन उस सलाइवा के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद जब आहार नली से हमारे भीतर जाता है, आमाशय में जाता है, तब उसकी प्रेरणा मात्र से ही हमारे शरीर के जो दस्त पैदा करने वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे पेनक्रियाज, लीवर, ये सब जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं और उसकी प्रेरणा मात्र, उस लार की प्रेरणा मात्र से वो काम करना शुरू करते हैं, पर्याप्त मात्रा में अपना रस चरण करते हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि जब हम मुंह में अच्छे से दांत से चबाने की क्रिया नहीं करते हैं तो हमारा लार पूर्ण रूप से निकल नहीं पाता और भोजन में मिक्स नहीं होता और हम खाने को, भोजन को अपने डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं, जिसके कारण प्रेरणा नहीं पाने के कारण हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और वो अपने रस का श्राप नहीं देता, नहीं दे पाता है। जिस कारण से हम जो भोजन किए वो भोजन, कुछ तो भोजन पचा और कुछ भोजन जो नहीं पचा वहीं पर ग्राही नलियों में जमना शुरू होता है और सड़ना शुरू हो जाता है और यही सड़न धीरे धीरे दूषित वायु के रूप में हमारे शरीर में बहने वाले जो रक्त है उसमें उसको अम्लीय बना देता है और हमारे शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जिस तरह का लक्षण आप लोग को बताया गया वो दिखाई देने शुरू होते हैं। इसी लक्षण को, इसी रोग को कहते हैं डिस्पेप्सिया, यानी कि अजीर्ण, यानी कि इनडाइजेशन, और पच भी इसका नाम है। तो ये जो रोग हमारे शरीर में हुआ, जो हमारा सही ढंग से भोजन का नहीं था, ये इसका कारण था। साथ ही साथ हम जो भोजन लेते हैं, क्षार युक्त भोजन, फल फूल साग सब्जी ये सब जो सेवन करते हैं, क्षारयुक्त भोजन करते हैं, तो वैसी अवस्था में हमारे होते हैं वो भी युक्त ब्लड होते हैं, यानी कि वो रक्त क्षारयुक्त होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर रहता है। जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं, ज्यादा वसा युक्त भोजन करते हैं, फैटी भोजन ज्यादा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बनने वाले जो हमारे रक्त है, जो हमारे ब्लड है, वो अम्लीय हो जाते हैं। हाँ, उसके कारण हमारे रक्त जो है अम्लीय हो जाते हैं। अम्लीय होने के कारण शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में इनडाइजेशन जो रोग है, डिस्पेप्सिया जो रोग है, वो जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इस रोग के कारण जितने भी रोग हमारे शरीर में उसके बाद में उत्पन्न होना शुरू होते हैं वो प्राणघातक भी हो सकता है। इसलिए हमें शुरुआत दौर में ही इसका इलाज करना चाहिए। अब जैसा कि मैं आप लोग को बताया शुरू में ही, इसके लक्षण जो अलग अलग है, जैसे दुर्गंध युक्त ढकार का आना, गैस निकलना, फिर शरीर से
कब शरीर में कब्ज का होना, फटे फटे मल का त्याग करना, पतला दस्त का होना, ये जो अलग अलग जो लक्षण होते हैं उन अलग अलग लक्षणों में अलग योगिक का प्रयोग करते हैं, अलग अलग घरेलू उपचार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग आते हैं तो घर में ढकार का होना है, यानी कि आपके भीतर जो गंदगी है उसको क्लीन करना है। क्लीनिंग की प्रक्रिया जो है वो आप लोग को अच्छे से बताई गई है कि हमको सफाई कैसे करनी है, सफाई का जो तरीका है उसको बीच बीच में करते रहना है। कई लोग पेट की जो सफाई करते हैं नमक के घोल के साथ भी किया करते हैं। जैसे हमारे बाहर में कुछ लोग हैं जो जिसमें योगा क्लास होती है उसमें इस तरह के प्रोसेस बताए जाते हैं, गर्म पानी में नमक डाल करके उसको पी करके पेट की सफाई करते हैं, पेट साफ हो जाता है उस क्रिया में। लेकिन हमारे शरीर में जो एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, जो हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, वो खत्म नहीं हो पाती। वो खत्म होने का तरीका क्या है कि हम क्षार को भीतर ले जाए, और क्षार हमारे शरीर में क्या जाता है, नींबू नमक का जो घोल तैयार करते हैं वो हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारे एसिड की मात्रा को, यानी कि हमारे पूरे शरीर का एसिड धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए सफाई के सबसे अच्छा होता है। नमक से क्या हो रहा, नमक के घोल से जो हम पेट अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, जैसा कि सबको जानते हैं, मैं किडनी का क्लास भी ली थी तो उस टॉपिक में मैं बता रही थी कि ज्यादा नमक की मात्रा हमारे शरीर के नुकसानदायक होती है। जो हम इस क्रिया में ज्यादा नमक यूज कर रहे हैं, सिर्फ नमक, उस नमक में क्या होता है, हमारे किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखी जो नमक की क्रिया से बोलते थे कि मैं अपने उदर की हमेशा सफाई करता था नमक का जो क्रिया बताया गया है उस प्रक्रिया के द्वारा, तो उसमें किडनी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनी कमजोर होने लगती है। इसलिए वो क्रिया से बेटर होता है हमारा नमक नींबू वाला जो घोल बनाया जाता है वो तरीका। साथ ही साथ हमारे इस क्रिया से हमारा जो बदबू आ रहा है, जो दुर्गंधी टकारे आ रही है, गैस निकल रहा है, वो खत्म होता है। दूसरा, हमारा कब्ज का जो शिकायत है, ये नींबू पानी जो हम बनाकर के पी रहे हैं उससे कब्ज भी दूर हो रहा है। साथ ही हर्रे, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, हर हर बोला बोलते हैं, हर्रे बोलते हैं, और इसको कई नाम से जाने जाते हैं। ये हर्रे नाम ही पड़ा है, हमारे रोग को हरता है इसलिए हर्रे इसका नाम पड़ा। तो ये रोग कैसे हर रहा है, हर्रे के कई गुण होते हैं, एक ही हर्रे को हम कई तरीके से खाते हैं। जैसे एक हर्रे हम भोजन के उपरांत अगर चबा करके खाते हैं तो हमारे गुरुपाक जो भोजन होते हैं, गुरुपाक मतलब जो गरिष्ठ भोजन होते हैं उस वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेशन की क्रिया हमारी अच्छे से होने लगती है। अगर वही हर्रे को हम पीस के पाउडर बना करके रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये जो कब्ज की जो शिकायत है वो कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसी हर्रे को जब हम उबालते हैं, उबाल करके इसका गर्म पानी पीते हैं और उस पानी से हमारा जो जिसको कब्ज की शिकायत, पेट झड़ी की शिकायत रहती है, साथ ही फटाफटा मल का त्याग करता है, वैसे पेशेंट के लिए उबाल करके हर्रे को, उसमें पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हर्रे को पानी में उबालना है और उस पानी का सेवन करना है, उससे जो दस्त होता है, दस्तावर जिसका रहता है वो बंद हो जाता है। साथ ही जोंगी होता है, हर्रे का ही छोटा जो रूप होता है, काला रंग का होता है, उसको बनती है ना, हर्रे का जो छोटा, जोंगी का जो छोटा रूप, हर्रे का जो छोटा रूप होता है जोंगी, वो जोंगी जब हम भोजन के आधा घंटा के बाद चबा करके खाते हैं तो उसको खाना नहीं, उसको मुंह में रखना है, दांत से थोड़ा सा कच्चर के चूसते रहना है, उसका जो रस जाता है वो हमारे पाचन क्रिया को और तीव्र करता है, यानी कि हमारे पाचन क्रिया को सही करने के लिए वो अच्छा होता है। जो भोजन नहीं पचने वाला रहता है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हर्रे जो हम कई तरीके से खाए हैं, डिस्पेप्सिया के कई लक्षण के अनुसार वो हमारे लिए कारगर होता है। साथ ही साथ है जिनको डिस्पेप्सिया में हमेशा जो भोजन करते ही बाथरूम जाते हैं उनका पेट झड़ना शुरू हो जाता है, तो
इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए एक और बहुत अच्छी औषधि होती है, जैसे हम घर में जो दूध होता है उस दूध को ताजा तुरंत फाड़ते हैं, फाड़ करके उसका छेना नहीं लेना है, उसका जो पानी होता है उसको ठंडा करके एक एक कप पानी 3 बार यूज करते हैं, 3 बार पीते हैं, सुबह में ले लिए, फिर दोपहर में ले लिए, फिर रात को ले लिए। 3 बार पीने के बाद ही हमारा पेट झड़ना बंद हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। हम लोग नॉर्मली छेना के पानी को फेंक देते हैं जबकि उसी में सारे तत्व पाए जाते हैं। हम लोग सिट्ठी खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं छेना के नाम पे, और जो मेन चीज है, जो तत्व है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो हम लोग फेंक देते हैं। तो अगर छेना का पानी रहता है, पेट नहीं झड़ा है, तो उससे आटा गूंद लिया या सब्जी में झोल के जगह पे उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, उसको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये छेना का पानी हमारे पेट झड़ी को बंद कर दिया, ये हमारी औषधि है। साथ ही इसमें जो लक्षण होते हैं, बार बार मुंह में पानी का आना, खट्टी ढकार का आना, इसमें अजवाइन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अजवाइन बहुत ही अच्छी औषधि का काम करता है। जैसे 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और 1 चम्मच नारियल लेंगे, सूखा नारियल को घस देते हैं, घस करके उसको अलग शीशी में रखते हैं, अजवाइन को अलग शीशी में रखते हैं, सुबह खाली पेट में इसको लेते हैं, और फिर दोपहर में जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन के बाद इसको लेना है, फिर रात को भी भोजन के बाद में अजवाइन और नारियल का जो घस करके बुरादा बना के रखे हैं उसको चबा करके खाना है। ये हमारे खट्टी ढकार जिनको आ रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, जलन हो रही है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही साथ जिनको बहुत ज्यादा पेट भारी हो जा रहा है, कब्ज ज्यादा रह रहा है, वैसे पेशेंट के लिए भैंस का जो दूध होता है, भैंस का दूध, मैं गाय का दूध का घोल बना के पीने के लिए बोली हूँ जिनको पेट में गर्मी रहती है। यहाँ पर जो बिना मतलब के वायु पेट में बन रही है, मुंह में बार बार आ रहा है, वैसी स्थिति में भैंस का दूध को तिहाई दूध लेते हैं, पूरा पानी से भरते हैं, चीनी का घोल बना करके इस शरबत को सुबह में पीने से हमारे पेट में बनने वाली जो वायु है वो शांत होती है। डिस्पेप्सिया के लक्षण में जो ये लक्षण पाया जाता है, वायु दूषित वायु का बनना, उसमें ये काम करता है। साथ ही साथ एलोवेरा का सेवन भी बहुत ज्यादा काम देता है, इसमें काम आता है। एलोवेरा क्या करता है कि वो हमारे शरीर के जितने भी हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उन सारे सेल के भीतर के टॉक्सिन को निकालने की क्रिया करता है। तो एलोवेरा हम 10 ग्राम रोज लेते हैं तो हमारे बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन को वो उसकी सफाई कर देता है और धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बताई कि वो अर्जुन जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इसके कारण जितने भी रोग होते हैं वो हमारे जानलेवा होती है। तो जो हमारे रोग आगे होने वाले थे, हम अजीर्ण के ही बीमारी में ही अपना जब ख्याल अच्छे से शुरू कर देते हैं तो आगे का जो हमारा रोग होने वाला था वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बनने वाला सारा टॉक्सिन धीरे धीरे हमारे बॉडी से खत्म होना शुरू हो गया। तो ये हमारा फुल ऑफ ये ट्रीटमेंट हो गया, घरेलू उपचार। अब इसमें कुछ आसन होते हैं जिसको हमें रेगुलर करना बहुत जरूरी है, जैसे उत्क्षेप मुद्रा सुबह में करना अति आवश्यक है। डिस्पेप्सिया के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए उत्क्षेप मुद्रा लाभकारी होता है। मयूरासन, ये इसमें हमारे नाभि को मजबूत करने वाले जितने भी आसन होते हैं वो आसन की रहते हैं, मयूरासन जो होता है वो इसके लिए फायदेमंद होता है। पदहस्त आसन इसमें फायदेमंद होता है। भोजन करने के बाद में वज्रासन में बैठना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उस क्रिया में जो हम पैर को पीछे करके जो बैठते हैं, उस क्रिया में हमारे पूरे पाचन की नली में खिंचाव आता है और पाचन की क्रिया अच्छे से होती है, जिसके कारण जो हमारा जो भोजन नहीं पचने वाला था गुरुपाक भोजन भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ आग्नेय मुद्रा, आग्नेय प्राणायाम इसमें लाभकारी होता है। शाम के समय में ये जो आसन बताई ये सुबह का आसन है, शाम के समय में अग्निसार मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, साथ ही साथ भुजंग आसन, ये जो 4 आसन बताए गए हैं इसको शाम के समय में करने से
हमारे शरीर में जो रोग, ये डिस्पेप्सिया जो रोग है उसमें लाभकारी होता है। इस रोगी के जो पेशेंट होते हैं उनको पुराना चावल खाना चाहिए, नया चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, अम्लीय भोजन का सेवन नहीं करना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना, जैसे प्रोटीन युक्त भोजन होता है, मांस मछली का जो हम लोग सेवन करते हैं, ज्यादा ज्यादा शर्करा युक्त जो भोजन करते हैं वो भोजन इस पेशेंट को नहीं करना है। दाल की भी मात्रा कम मात्रा में लेनी है, ज्यादा दाल की मात्रा भी ऐसे पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे पेशेंट छाछ का सेवन करेंगे। आधा कटोरी दही है तो एक कटोरी पूरा पानी लेंगे, यानी कि उसका दुगुना पानी लेते हैं। उसमें नमक डालते हैं, सेंधा नमक या काला नमक डालते हैं, भुना जीरा डालते हैं, थोड़ा सा हींग भी डाल करके उसका सेवन करते हैं। ये छाछ जो हम ले रहे हैं वो हमारे भोजन, छाछ को जब हम ले रहे हैं तो भोजन करने के बाद ही तुरंत ले लेना है, बहुत देर के बाद नहीं लेना है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कई लोग तुरंत पानी पीते हैं, उनको भी ये रोग ज्यादा दिखाई देते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब भोजन हम करना शुरू करते हैं तो वैसी स्थिति में जैसे ही भोजन का कौर पेट में जाता है तो हमारी जठराग्नि जल शुरू हो जाती है, तीव्र गति से चलनी शुरू हो जाती है। अगर हम पानी पी भोजन के बाद में तो वो हमारी जठराग्नि बंद होती, बुझ जाती है, यानी कि हमने अपने अग्नि पर पानी डाल करके उसे बंद कर दिया, बुता दिया। तो उसे बंद नहीं करना है, उसको जलते रहने देना है। 1 घंटा के बाद हम पानी पिए, लेकिन हम छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी वहां पे ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। कई लोग का गला सूखता है या हिचकियां आने लगती है, तो वैसे पेशेंट जूस का, छाछ का और नींबू पानी को अपने पास में रख करके ही भोजन करेंगे। जब भी महसूस होगा पानी का, लिक्विड का, तो उस लिक्विड को पी करके भोजन को करते रहेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो ये हमारा हुआ। साथ ही साथ इसमें एक मुद्रा होती है, अपान मुद्रा। इस मुद्रा को हम करते हैं, मन को नाभि पे कॉन्सेंट्रेट करके, अगर लेट के शवासन में इस मुद्रा को करते हैं तो लेट करके करेंगे, मन नाभि पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा, आंख बनेगी, शवासन में एकदम चित लेट गए, पूरा पूरा मन नाभि को देख रहा है, यानी कि मणिपुर चक्र को देख रहा है, और धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। इसी मुद्रा में हाथ पूरा तना हुआ रहता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, हमारा पाचन की क्रिया अच्छे से होती है, जो अतिरिक्त वायु हमारे शरीर में बन रही है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसलिए कोई भी बीमारी अगर रहती है तो हम जब पूर्ण रूप से फुल ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि यौगिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं तब हम स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे कोई बीमारी है और एक चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक औषधि को, एक तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब भोजन करने का तरीका बस इस्तेमाल कर लिए, बाकी को नहीं किए, तो लाभ होगा लेकिन उतना ज्यादा लाभ नहीं होगा जितना कि हम टोटल ट्रीटमेंट को एक साथ करते हैं। क्योंकि जो आसन किए उससे हमारे चक्र एक्टिवेट हुए, हमारे ग्लैंड प्रभावित हुए, वो सारे जितने भी हार्मोन सिक्रेशन होने वाले थे वो सब बैलेंस में आए, साथ ही हम भोजन करने का सही तरीका भी इस्तेमाल किए, औषधियों को भी इस्तेमाल किए। तो जब हम फुल ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि यौगिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं तो हमारा रोग जड़ से खत्म हो जाता है। पेशेंस रखना होता है, क्योंकि हमने बीमारी को कई वर्षों से पाल करके रखा है, तो जादू की तरह एक दिन के व्यवहार करने से वो खत्म नहीं होता है। जितने वर्ष लगे हैं उसका कम से कम कुछ तो समय आपको वो लेगा। फिर भी कोई भी बीमारी अगर आपको है तो वो बीमारी 1 माह के भीतर तो अपना असर आपके शरीर पर दिखाती ही है, आपको पता चलता है कि आपका रोग शरीर से कितने अच्छे से जा रहा है, आपको खुद महसूस होगा कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो जब हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, सारी पत्ती को इस्तेमाल करेंगे, तब उसका असर हमें दिखाई देगा। तो ये हमारा था आज का क्लास डिस्पेप्सिया पर। कोई को कुछ इस टॉपिक पे पूछना है तो पूछ सकते हैं।
एलोवेरा कितने दिन तक लेना? जी दादा, एलोवेरा आपने कहा है ना, एलोवेरा लेने के लिए कितने दिन हाँ, तक लेना? एलोवेरा, एलोवेरा मतलब साल भर आप इसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो नुकसानदायक नहीं है। जैसे एक उम्र के बाद में अगर हम एलोवेरा ले रहे हैं तो वो तो और हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे आपको एक उम्र में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट खत्म होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, कार्टिलेज खत्म हो जाता है, चिकनाई खत्म हो जाती है, तो वो सारा धीरे धीरे आना शुरू होता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल ही रहा है, पेट की सफाई हो रही है, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऊपर से हम जब उसको दबाते हैं ना तो वो दांत पे ही अपना प्रभाव दिखाता है, दांत को ही मजबूत करते हुए नीचे जाता है, आंत को साफ, नली को साफ करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। तो जहां जहां एलोवेरा का रस जा रहा है वहां वहां के बीमारी को खत्म करता है, ये नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो जो सर्दी जिनको रहती, कफ युक्त जिनका शरीर होता है, हमारा शरीर तीन पदार्थ से बनता है, कफ बात पित्त, जो कफ प्रकृति के जात लोग होते हैं वे लोग जब एलोवेरा का सेवन करते हैं तो गर्मी के मौसम में शुरू करेंगे और एलोवेरा खाने के बाद में गर्म पानी पी लेंगे, उसको धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार ढालेंगे, और फिर जब उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एलोवेरा खाने पर सर्दी नहीं बनती है, तो धीरे धीरे उसको रेगुलर शुरू करेंगे। शुरुआत में कफ प्रकृति के लोग को ये, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर एडजस्ट कर जाता है उसको, धीरे धीरे वो आपका कफ भी खत्म करता है। वास्तव में एलोवेरा बात पित्त तीनों को खत्म करता है, और साथ ही जो हरे बताई हूँ, हरे भी हमारे शरीर में कफ बात पित्त तीनों को खत्म करता है। वास्तव हमारा शरीर कफ बात पित्त तीनों मिलाकर के बनता है, ये बैलेंस में होना जरूरी है। कोई अनबैलेंस हो गया, किसी को कफ ज्यादा हो गया, किसी को पित्त ज्यादा हो गया, किसी को बात अधिक ज्यादा हो गया, तो उससे संबंधित जितने रोग होते हैं वो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो हम जब भी औषधि यूज करते हैं ना, तो उसको जब तक आप शरीर से एकदम स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक करते रहना है। कोई कोई औषधि होती है जिसको मैं बताती हूँ कि 3 माह के बाद में बंद करना, जैसे चूना का सेवन करने के लिए बताया कि इसको 3 माह लेना है, फिर उस दिन के लिए बंद करना है, फिर उसको यूज करना है। तो इसी तरह ये इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, हर्रे भी बंद करने की जरूरत नहीं है। हर्रे में कुछ सावधानी बरतनी होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हर्रे जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हर्रे को पानी में डाल करके देखना है, अगर पानी के ऊपर वो हर्रे तैर रहा है तो वो औषधि युक्त नहीं होता है, उसको फेंक देना है। जो पानी में डूब गया वही हर्रे का सेवन करना है। हर्रे हाई ब्लड प्रेशर जब रहता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वैसे स्थिति में हर्रे का सेवन करने से ब्लड प्रेशर और हाई होता है। शरीर से किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, हर्रे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम जॉगिंग करके आए हैं या आसन करके आए हैं और पूरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और शरीर की श्वास की गति तीव्र हो रखी है, वैसे स्थिति में हर्रे का सेवन नहीं करना है। जब हमारी श्वास नॉर्मल हो जाती है तब हर्रे का सेवन करना है। तो ये सावधानी भी हर्रे के समय, हर्रे लेते समय हमें बरतनी चाहिए। दीदी किसी को कुछ पूछना है? दीदी अपान मुद्रा का थोड़ा बता दें दोबारा से। अंगूठा में बीच की दोनों उंगलियां, हमारा रिंग फिंगर जो है और मिडिल फिंगर जो है उसको अंगूठे से टच किए हैं, और ये दोनों को एकदम टाइट रखते हैं। हर्रे यानी क्या दीदी, मराठी में क्या कहते हैं उसको? हर्रे हर्रे दादा, हर्रे म्हणजे हिरडा, हिरडा हिरडा त्रिफळामध्ये जो असतो ना, हिरडा बेहडा आवळा। ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू थँक्यू। हा संवाद मिळतो तुम्हाला। ठीक,
अपान मुद्रा कब कब करनी है दीदी? ये जब भी हम लेट मतलब खाली बैठे हुए हैं लेट रहे हैं, कम से कम 3 बार करना सही रहता है। दिन भर में हम 3 बार कर लिए, और जैसे हम लोग ऐसे भी जैसे बैठे रहते हैं भोजन के पहले, भोजन अभी करना है करने के आधा घंटा पहले हम कुछ एक्यूप्रेशर, जैसे हमारा यहाँ से हमारा सिर का पोर्शन होता है, यहाँ से ये पूरा हमारा पाचन की क्रिया होती है, तो इसको अच्छे से हम यहाँ से मसाज करते हैं तो ये हमारा हम पाचन की क्रिया को स्ट्रॉन्ग करें। ये पूरा हमारा पेट का पोर्शन होता है तो इसको भी अच्छे से मसाज करते रहेंगे, एक्यूप्रेशर देते रहेंगे तो ये पाचन हो गया। ये हमारा पीठ का पोर्शन होता है, यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, इसको भी अच्छे से मसाज के, पीठ में दर्द है तो इसको मसाज कर दिए, पेट पेट के पाचन को मजबूत करना है तो इसको मसाज कर दिए, तो ये भी मसाज का एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। फिर से बताना दीदी, बैक साइड। ये हमारा सिर, यहाँ से आहार नली होते हुए ये हमारा गर्दन हो गया, थायराइड ग्लैंड, यहाँ से हमारा पाचन क्रिया होते हुए यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये जो ये पूरा भाग हम अच्छे से ऐसे मसाज कर देते हैं तो हमारा पूरा पाचन क्रिया पर हम अपने पूरे पार्ट में भीतर के शरीर के पाचन तंत्रों को हम प्रेशर दे रहे हैं। इसीलिए जो हम लोग मसाज जो क्रिया करते हैं ना योगा आसन के बाद में, तो मसाज में ये सब पॉइंट को अच्छे से दबाना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे शरीर के पार्ट है जिसको करने से हमारा बहुत सारा रोग खत्म होता है। पीछे को भी जब करते हैं तो इस सबको भी अच्छे से करना है, इस सबको भी जब यहाँ लेकर कैसे करते, क्योंकि यही पाचन की ये जो ये है यहाँ से होते हुए ये हमारे पीठ में आ जाती है, तो वो सब अच्छे से यहाँ से ये। दीदी अपान मुद्रा जो है ये पूरा मसाज है जी, ये खाना खाने से पहले करना है ना? हाँ, मुद्रा और ये एक्यूप्रेशर दोनों हम जब करते हैं ना, तो एक्यूप्रेशर जो कर रहे हैं हम भोजन के आधा घंटा पहले करते हैं, और मुद्रा जो कर रहे हैं वो हमको भोजन करने के बाद जब हम रेस्ट में जाते हैं वैसी स्थिति में करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गई, डिस्पेप्सिया के जो पेशेंट होते हैं या नॉर्मल भी सब कोई, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ध्यान देना रहता है कि हमारा दाहिना नासिका चलना चाहिए, तो दाहिना नासिका चल रही है यानी कि आपका पाचन क्रिया अच्छे से हो रहा है। देख लेना है कि दाहिना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो आप बाएं करवट लेट जाइए, तो बाया उससे बंद होकर के दाहिना अच्छे से चलना शुरू होगा, यानी कि आपकी पाचन की क्रिया अच्छे से हो रही है। तो हम भोजन के उपरांत आपका दाहिने नासिका छिद्र चलना ही चाहिए, नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ी चल रही है, तो उस पर पूरा ध्यान देना है। अगर नहीं चल रहा है तो वो तरीका जो बताई हूँ बाया करवट लेट गया, इसीलिए भोजन के बाद में बताया जाता है बाएं करवट लेटना है, रात को खाने के बाद कभी तुरंत नहीं लेटना है, टहल करके ही लेटना है। तो कुछ चीजें अगर हम लोग सही ढंग से करते हैं, और एक चीज और है कि दूध हम लोग जो पीते हैं, कई लोगों के घर में आदत होती है कि रात को सोते समय दूध पी करके सोते हैं, कभी भी रात को दूध पी करके नहीं सोना है। दूध जब भी पीते हैं शाम के समय बताया गया है, दिन के अंत में यानी कि संध्या बेला में दूध को लेना है, कुछ हल्का सा नाश्ता किया दूध पी लिया, यही आपका शाम का नाश्ता होना चाहिए। थैंक यू दीदी। आज के क्लास को हम ओवर करें, दीदी वो जलन के लिए जो कह रहे हो नारियल घिसकर लेना है खाली पेट सुबह? हाँ, कह रहे थे अजवाइन और नारियल, अजवाइन 1 चम्मच और ये भोजन के बाद में लेना है, सुबह में खाली पेट ले लिए और जब दोपहर का जो भोजन कर रहे हैं उसके बाद में लेना है, रात को भी भोजन के बाद में लेना है, तीन बार लेना है।
और एक नारियल और दूसरा सौंफ वो वाला वो गैस की बीमारी के पेशेंट के लिए, जिसका नॉर्मल गैस बनता है, पेट फूला रहता है, भारी भारी रहता है, सीना में दर्द होता है, उसमें जलन नहीं होता है। गैस की बीमारी में जलन नहीं होता है, एसिडिटी की जो बीमारी होती है, अजीर्ण के जो पेशेंट होते हैं उसको जलन होता है। नारियल और क्या दीदी? नमस्कार दीदी। गैस वाले को नारियल और सौंफ लेना है एक एक चम्मच, वो हम भोजन के पहले लेते हैं, भोजन के पहले ले रहे हैं, और अजवाइन वाला जो ले रहे हैं वो भोजन के बाद ले रहे हैं। यानी कि खट्टी टकार जब आती है तो भोजन के बाद अजवाइन वाला, अजवाइन और नारियल ले रहे हैं, और सुबह में पहले ले रहे हैं जो नारियल और सौंफ, वो हम ले रहे हैं गैस के पेशेंट के। 9 दिवस उपास केला और दीदी मला आता पचन होईना झाले जेवणच। दीदी कुछ समझ में नहीं आया। नवरात्र में फास्टिंग किए थे, अभी अपचन हो रहा है उनको दीदी। फल में था, खाना अजीबात नहीं था। अच्छा गैस बन रहा है, अपचन नहीं हो रहा है कुछ भी। अश्वनी दीदी आप थोड़ा सा फिर से बताइए तो दीदी क्या बोली है। दीदी नमस्कार, उनको नवरात्र में फास्टिंग किया जाता है दीदी, 9 दिन में किया जाता है, तो उनको अपचन हो रही है दीदी। हाँ हम लोग है ना जैसे फास्टिंग जो करते हैं, जैसे फलहार लेकर के जो फास्टिंग करते हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा सा सजगता बहुत जरूरी है। जैसे हम मतलब जो भी विटामिन सी युक्त जो फल जो यूज करते हैं फलहारी के समय में, वो बिना नमक को, बिना नमक के नहीं लेना चाहिए। आप जो फास्टिंग उपवास कर रहे हैं उसमें सेंधा नमक डाल करके लेंगे, सेव आपके लिए वैसी स्थिति में फायदेमंद होता है। फास्टिंग के समय में अगर हम केला खाते हैं तो वो गैस बनाना शुरू करते हैं। जो हम केला खा लिए भूखे हैं, दिन भर अन्न गया नहीं, लेकिन केला खा लिए, अनानास खा लिए, कुछ ऐसी चीजें जो खा रहे हैं उससे गैस ज्यादा बनना शुरू होता है। इसीलिए फल भी जब हम लेते हैं तो खट्टा मीठा फल सही रहता है, हल्का नमक के साथ में उसको लेंगे। नमक सेव का प्रयोग करेंगे। हाँ नमक नहीं खाती सेंधा नमक, सेंधा नमक कौन सा भी नमक नहीं चाहिए। फल सभी के फल, केली, सफरचंद, आपको मोसंबी, ये सब फल खाती थी। नहीं दीदी त्या काय म्हणा लागले, सेंधा नमक खावा म्हणतात, मीठ मीठ नाही, पण 9 दिवसात उपवास आला। नाही सेंधा नमक चालतो उपवास। हाँ उपवास सेंधा नमक से हम कर सकते हैं, लेकिन जब फलहार ले रहे हैं ना तो सादा आप खाएंगे। वही लोग जो हम लोग कुछ सावधानी नहीं बरतते हैं तो इतना उपवास करने के बाद भी हम रोगी रहते हैं, क्योंकि हमने उपवास को भी सही ढंग से नहीं किया। तो उपवास जब कर रहे हैं हम फल खा करके रह रहे हैं तो हमारा शरीर और स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ क्षार युक्त भोजन को लिया तो हमारे शरीर का एसिड खत्म होना चाहिए, लेकिन वो आपके बीमारी को और तेज कर दिया। तो क्या कारण है कि वो तेज हुआ? क्योंकि हम उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं किए। अगर उसको सही ढंग से खाते हैं जो तरीका बताया जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक कभी नहीं होता है। हल्का सेंधा नमक डाल करके उसके साथ लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। जितना भी खट्टा फल होता है उसके लिए बताया जाता है कि सेंधा नमक डालकर ही वो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। अगर बिना नमक के लेते हैं तो वो हानिकारक होगा। जैसे हम लोग नींबू का भी सेवन करते हैं, बिना नमक के लेंगे तो वो हमारे शरीर को गरिष्ठ करेगा। कई लोग हमारे मतलब हमारे समाज में, जैसे हमारे मारवाड़ी समाज है उसमें नींबू चीनी पानी लोग पीते हैं, तो ये हमारे शरीर की एसिडिटी को बढ़ाता है। नींबू उसके साथ चीनी डाल दिए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एसिड और बढ़ना शुरू होता है। नींबू चीनी डाले उसमें हल्का सा एक चुटकी नमक अगर हम डाल देते हैं सेंधा नमक, तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का काम करेगा। तो उसी चीज को हम अच्छे ढंग से अगर लेते हैं तो वो हमारे शरीर में लाभदायक हो रहा है, वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है।
आप क्या करना दीदी बोलो पचन। हाँ, तो अभी जैसे अभी जैसे आप जैसे अभी गैस हुआ है ना, तो आप गैस में ये अजवाइन वाला ये सौंफ और नारियल का एक एक चम्मच खाना शुरू कीजिए। खाने के पहले भी लीजिए, खाने के बाद भी लीजिए, खाने के पहले लीजिए सुबह में, फिर दोपहर में भी खाने के पहले लीजिए, फिर रात को भी खाने के पहले लीजिए। आधा घंटा पहले इसको लेकर के करना है। और हर्रे को रखिए घर में, छोटी हर्रे जो होती है ना जोंगी, उसको रखिए, काला रंग का होता है, उसको धो करके अच्छे से देख लीजिए कि वो जो डूब गया है उसको छांट करके रखिए। हाँ, अरे मराठी में क्या बोलते हैं हरे को? हिरडा दीदी, हिरडा म्हणजे त्रिपुरा मध्ये जसा असतो आवळा बेहडा हिरडा, तसा हिरडा मिळतो बाजारात। नाही आवळा हिरडा, हिरडा हरे म्हणजे हिरडा दीदी। तो यहाँ पे हर्रे मतलब जो हम भोजन के चूसने के लिए, जो भोजन को पचाने के लिए जो ले रहे हैं, वो छोटी वाली हर्रे सही रहती है, जोंगी जिसको बोलते हैं, काली रंग की होती है, हर्रे का ही छोटा रूप होता है, वो लेना चाहिए। तो पहले हर्रे जब यूज करते हैं तो पहले ही मैं बताई हूँ कि उसको पानी में डाल दिया, जो डूब गया है उस हर्रे को औषधि के में रखना है, जो ऊपर तैर रहा है उसको यूज नहीं करना है। पानी पीना, पानी नहीं पीना, उसको छोटा सा हर्रे को उसको तोड़ करके रख लिए सुपारी की तरह, भोजन के आधा घंटा के बाद में उसको मुंह में रख करके चूसते रहना है। एक बार थोड़ा सा दांत से काटना है, फिर उसके रस को धीरे धीरे अपने लार के साथ में भीतर ले जाना है। दीदी जो आपने बोला पेट भारी होना या गैस होना, उसके लिए जो आपने बोला भैंस का दूध लेना होता है उसके लिए, तो जो गाय का दूध भी ले सकते हैं गाय गाय का दूध जो हम लेते हैं ना, वो जैसे फ्रिज का जो ठंडा दूध होता है या एकदम ठंडा ठंडा, जाड़ा के समय में तो हम लोग फ्रिज का दूध नहीं लेते हैं, वो नॉर्मल ही ठंडा रहता है। तो उबला हुआ जो ठंडा दूध होता है उसको हम ले लेते हैं आधा गिलास, तो हमारा गैस तुरंत शांत हो जाता है। ठंडा दूध लेना चाहिए जब गैस बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ठंडा दूध पी लिए बिना गर्म किए कच्चा ही वैसे, तो वो हमारे गैस को शांत करता है। लेकिन जो है ना ये अजीर्ण के जो पेशेंट होते हैं, उसमें जो वायु बन रही है उस वायु में, और इस गैस में मैं बताई हूँ कि खट्टेपन का अंतर है, ये सिर्फ वायु बनी और उसमें खट्टापन ही बना, ये हमारे जलन नहीं दे रहा, ये जो वायु बन रही है यानी कि जो गैस है वो भारी कर रहा है, दर्द दे रहा है। और जो एसिडिटी के कारण जो जलन हो रही है, जिसको पित्त बोलते हैं, जिसके कारण मुंह में खट्टा ढकार आता है, उसमें जलन हो रही है, सीना में भी जलन होता है, पेट में भी जलन होता है, मुंह में पानी आता है, तो वैसे पेशेंट के लिए भैंस का दूध का घोल बना करके चीनी के साथ लेना है। मुझे भी होता है दीदी ऐसा। हाँ, तो हम लोगों को ना हर बीमारी के लक्षण के अनुसार अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। दीदी अजवाइन के साथ ये नारियल क्यों लेते हैं? अजवाइन जो होता है, जैसे कि अजवाइन जो आपको पता ही है कि थोड़ा सा गर्म भी होता है, और वो हमारे पित्त को शांत करने की क्रिया करता है। प्राकृतिक जो ये औषधि है पित्त नाशक होता है, तो ये पित्त को शांत कर रहा है, साथ ही उसको ठंडा भी करना है। उसको अगर हम पित्त को शांत कर दिए और वो ठंडा नहीं करने के लिए कुछ साथ में ले रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा, क्योंकि जो अर्जिन के जो पेशेंट होते हैं, पित्त भी हो रहा है साथ में जलन भी हो रहा है, तो उसको शांत करने के लिए वो दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के लेने से वो फायदा करता है। इसलिए नारियल जो है वो ठंडा करने का काम कर रहा है, और ये हमारे एसिड को खत्म करने का काम कर रहा है, इसीलिए दोनों बराबर मात्रा में ले रहे हैं। दीदी रात को कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब सब्जी कौन सी नहीं लेनी चाहिए रात को? प्रोटीन नहीं खाना चाहिए रात को। मूली, कच्ची मूली नहीं लेनी चाहिए, मूली का सब्जी बना के ले सकते हैं, लेकिन कच्ची मूली बिल्कुल नहीं लेंगे, साग नहीं लेंगे, दही भूल करके भी नहीं लेंगे, और रात को दाल नहीं लेना है। फिर आपको रात को साग बिल्कुल नहीं खाना है, पालक का साग, बथुआ का साग, कोई भी साग रात को नहीं खाना है। ये सारा जितना भी गरिष्ठ भोजन होता है वो दिन में ही लेना है, क्योंकि दिन में हम लोग काम करते हैं तो वो पच जाता है। सुबह सुबह भी नहीं लेना है, रात को भी नहीं लेना है। बैंगन वगैरह नहीं लेना है, कोई ऐसी चीजें नहीं? बैंगन ले सकते हैं,
बैगन बैगन के साथ दौरी डाल करके जो बनाते हैं वो नहीं लेना है। रात को क्या खाना? बैगन बैगन जो होता है ना, बैगन बेगुन बिना गुण का होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता है, अगुण होता है। लेकिन अगुण किसके लिए है? जिसको ना मतलब शरीर में खुजली की बीमारी है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बैगन नुकसानदायक होता है। ऐसे उसमें कोई गुण अगुण नहीं होता है, सिर्फ स्किन डिजीज के लिए नुकसानदायक है, तो वैसे पेशेंट इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। बथुआ भी बहुत काम करता है, मतलब पेट के एसिडिटी को, अजीर्ण को खत्म करने के लिए बथुआ का मुरब्बा बना के या बथुआ का चोखा बना करके, अरबी जो होता है, अरबी का भी चोखा इस पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। अरबी का चोखा भी आप बना करके नॉर्मल बिना मसाला का, जो अरबी का चोखा होता है, हल्दी नमक डाल, हल्दी तेल डाल करके हम बनाते हैं, हल्दी करें नमक और थोड़ा सा सरसों तेल और मिर्च डाल करके जो चोखा बनाते हैं, वो भी अर्जिन के जो पेशेंट होते हैं उसको लाभदायक होता है, डाइजेशन काम करता है। दीदी अरबी तो बहुत ज्यादा वो करती है, खराब करती है, वाई करती है, गैस करती है। बातर होता है, बातर होता है जिसको बात के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो नुकसानदायक होता है। लेकिन अजीर्ण के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा पित्त प्रकृति के लोग हैं, तो पित्त पित्त वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये लाभकारी होता है। बथुआ का चोखा, अरवी का चोखा, यौगिक चिकित्सा द्रवगुण में बताया भी गया है ये चीज। लीलावती दीदी, हाँ, हिरडा है ना टिळक चौकात बाळगोटेच्या दुकानात मिळेल तुम्हाला, आणि तो हिरडा पाण्यात भिजायला पाहिजे, अशीच हिरडा घ्या। चालते चालते। रात्रीला काय खायचं म्हणते दीदी? रात्री पालेभाज्या वगैरे खायच्या नाहीयेत। रेकॉर्डिंग स्टॉप्ड। पालेभाज्या प्रोटीन युक्त जेवण आणि डाळ जास्त घ्यायचा नाहीये। रात को पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी दीदी। पत्ता गोभी भी नहीं खानी है ना? पत्ता गोभी नहीं, गैस करता है। नमस्कार दीदी। नमस्कार। क्या क्या दीदी खाना चाहिए हमें? मैं बताई ना, जितना क्षारी युक्त भोजन है वो सही रहता है। अगर हम गुरुपाक भोजन कर रहे भी हैं, गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, तो उसको दोपहर के ही भोजन में लेना सही रहता है, क्योंकि दोपहर में हम बहुत सारा काम दिन भर करते रहते हैं, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब भी गुरुपाक भोजन कर रहे हैं तो वो करते समय पानी की क्रिया अच्छे से होनी चाहिए। वो चबाया गया सही ढंग से तो नीचे, क्योंकि तरीका भी जो होता है भोजन पानी के लिए, हम मतलब जैसे कहा जाता है कि भोजन को पीना खाना नहीं है, उसको पी पानी जो है उसको खाना है। तो कैसे करते हैं पानी भोजन को पीते कैसे है? तो भोजन को इतना चबा लेना है कि वो मुंह में ही पतला हो गया, लिक्विड हो गया, फिर उसको घोट गया पानी की तरफ। पानी को खाना है मतलब मुंह में रख करके उसको थोड़ा सा करके तब लेने से वो लाभकारी होता है। तो इसलिए और भोजन को पीना है। अगर हम भोजन को खाना शुरू कर देंगे, यानी कि मुंह में खाना गया, पेट में गया, तो वो डाइजेशन की क्रिया में दिक्कत होगी और धीरे धीरे हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारा पेनक्रियास, लीवर, ये सारे अंग कमजोर होने लगते हैं और सारा क्रिया हमारा वो ये सारे अंग जो ब्लड को सफाई की क्रिया करता है, ब्लड की रिफाइंड की क्रिया करता है, वही सारे अंग डैमेज होने के बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है बॉडी में, सारे अंग खत्म हो जाते हैं, कई बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए इन सब पार्ट को मजबूत करने के लिए, जो हमारे शरीर के अंदरूनी पाचन के जो अंग बनाए गए हैं, ब्लड के जो अंग बनाए गए, उसकी उसको सुरक्षा देना हम लोगों को जरूरी है। हो गया। मैं आजकल मेरा फास्टिंग था, आज ब्रेक है तो क्लास को ओवर करें। नमस्कार। आज वीडियो बना दूंगी।
ठीक है, नमस्कार सभी को। सेशन बंद कीजिए, टाइम ओवर हो गया। ओके सभी को नमस्कार, दीदी को धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।